नेकलेस वाली फिल्म्स का सिलसिला बॉलीवुड में तब आया जब एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सिंघम लेकर आए और सिंघम में हमें दिखाई दिए अजय देवगन और काजल अग्रवाल। लोगों द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद भी किया गया। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए रोहित शेट्टी लेकर आए सिंघम का ही सीक्वल यानी कि सिंघम रिटर्न्स, जिसने फिर से दिखाई दिए अजय देवगन, पर इस बार उनका साथ निभाया करीना कपूर खान ने। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब छाई। फिर रोहित शेट्टी ने थोड़ा सा ट्रेंड बदला और सिंघम जैसी ही फिल्म सिम्बा बनाई और इस बार पुलिस के रूप में दिखाई दिए रणवीर सिंह। अब एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी दर्शकों के रूबरू लेकर आ रहे हैं फिल्म सूर्यवंशी, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बॉलीवुड के सितारे नजर आएंगे। सिंघम और सिम्बा तो रोहित शेट्टी के पास पहले से ही हैं, पर इन दोनों के साथ एक नाम खिलाड़ी का भी जुड़ने जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। सूर्यवंशी फिल्म 7 मार्च 2020 में रिलीज होने जा रही है और फिल्म का दमदार टीजर सामने आ चुका है, जिसे देखकर हर किसी के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ी है कि ऐसा क्या खास होने वाला है इस फिल्म में। टीजर में आखिरी सीन में तीनों बॉलीवुड सितारों ने पुलिस वाली वर्दी पहनी हुई है और आंखों में जोश दिखाई दे रहा है और लगातार गोलियों की बौछार भी हो रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।